गौरव जी आपने एक स्टेटमेंट दिया, खड़गे जी ने कहा कि हम आपके कार्यक्रम में क्यों आए, आप हमारा माइक बंद कर देते हैं। ऐसा खड़गे जी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि हम आपके कार्यक्रम में क्यों आए। नहीं नहीं, उन्होंने कहा लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं और हमारा माइक बंद कर देते हैं। मतलब मैंने उस बात का सरलीकरण किया, इतना कहा। नहीं, सरलीकरण नहीं किया आपने, तोड़ मरोड़ के गलत शब्दों को देश के सामने रखा। अच्छा, गलत तरीका है। अच्छा, अब वापस आते हैं। तो उन्होंने ये कहना क्या, वो आए थे या नहीं आए थे, आप जबरदस्ती क्यों कोरिलेट कर रहे हैं उनको? कोरिलेट नहीं कर रहा हूं, मैं कहूंगा फिर अच्छा लगेगा आपको। आपने स्पष्ट कहा कि हम आपके कार्यक्रम में क्यों जाएं? ये शब्द एक एंकर के हो सकते हैं क्या? आपने कहा, खड़गे जी ने ये कहा कि हम आपके कार्यक्रम में क्यों जाएं? ये शब्द नहीं बोले खड़गे जी। सर आए थे, लेकिन दिक्कत यह है आप लोगों को मोदी नामा पढ़ते पढ़ते आप लोग कुछ भी कहेंगे। दोस्तों, 15 अगस्त के कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जा नहीं पाए। उन्होंने इसका कारण आंखों से संबंधित समस्या बताया और कई अन्य कारण दिए, लेकिन गोदी मीडिया के होनहार गोदी एंकर ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ के ऐसा पेश किया जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया हो। डिबेट में जैसे ही गोदी एंकर ने अपनी चालाकी दिखाई, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने उसे वहीं धोकर सुखा दिया। आलोक शर्मा ने गोदी एंकर को एक्सपोज करते हुए कह दिया कि आप मोदी नामा पढ़िए। दोस्तों, डिबेट बहुत शानदार, एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे की वीडियो आपको दिखाते हैं। वो छोड़िए, अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं आप उस पे नहीं आ रहे। अरे भाई, आपने जो सेंटेंस बोला वो गलत बोला, उस पर माफी मांगनी चाहिए। ऊपर से बहस कर रहे हो, गलत है, आए नहीं थे तो और क्या? आपने गलत स्टेटमेंट यूज किया, आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने यहां पर कहा कि वहां पर लगा के माइक बंद कर दिया, ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए, आप गए थे कि नहीं गए थे? मैंने कहा नहीं गए वो, और उसका मैंने कारण बता दिया। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियली आपसे पूछवाऊंगा कि खड़गे ने ऐसा कब कहा। मैं तो आपसे ऑनियर पूछ रहा हूं, मैं तो आपसे ऑनियर पूछ रहा हूं, आप मुझे गोदी मीडिया कैसे कह सकते हैं? मैं आपसे ऑनियर पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए, आप गोदी मीडिया कैसे कह सकते हैं? गोदी मीडिया है क्योंकि आप भाजपा की भाषा बोलते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप हमें गोदी मीडिया कैसे कह सकते हैं? आप स्टेटमेंट चलाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए। अरे आपके कहने सुना, आप अपनी स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ। आलोक शर्मा, सवाल का जवाब नहीं तो आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। आपने गोदी मीडिया कैसे कहा? आपने गोदी मीडिया कैसे कह रहा हूँ? कैसे कहा? अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप मुझे बताइए, आपने गोदी मीडिया कैसे कहा? मैं कर रहा हूँ, उन्होंने कहा लोकतंत्र का, उन्होंने कहा लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं और हमारा माइक बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं कहा? उन्होंने कहा कि नहीं कहा? अगर इन्होंने नहीं कहा, अगर इन्होंने नहीं कहा तो आप बोल दीजिए। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं और हमारा माइक बंद कर देते हैं, ये बात ठीक नहीं कही उन्होंने। जो स्टेटमेंट बोली वो गलत बोली, और वो गोदी मीडिया की स्टेटमेंट थी, वो गोदी एंकर की स्टेटमेंट। फिर यही बात है, आप अपने बातों पे अपने शब्दों पे लगाम नहीं लगाते। गोदी मीडिया कैसे है, रिमाइंड कीजिए आपको, यह कह रहा हूं, रिमाइंड कीजिए, क्योंकि आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। मैंने तो ये कहा कि वो सरलीकरण किया, मैंने तो ऑन एयर कर रहे हैं आप। फिर वही बात, मैंने कहा वो सरलीकरण था, सरलीकरण नहीं किया आपने, स्टेटमेंट है आपने, सरलीकरण नहीं किया स्टेटमेंट है, आपने झूठ बोली आपने, ढिंढोरा पीटा। मुद्दा ये है कि आपके अध्यक्ष ने कहा कि हमारा माइक बंद कर देते हैं, हां या ना? शब्द नहीं पकड़ा आपने, बहुत गलत स्टेटमेंट दिया। फिर वही बात, आपने बड़ा अच्छा बोला, जाने का प्रयास आपको यही कर लेना है कि आपको इस प्रकार गौरव भाई, अगर आपको मोदी जी को बुलवाना है, बीजेपी को बुलवाना, तो बाकी को रहने देते हैं भाई। अरे आपको संसद में भी समय नहीं मिलता तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। देखिए, मुझे लगता है संसद में बीजेपी नहीं देती और यहां पर आप नहीं देते। क्या बात कर रहे हैं सर, हिट एंड रन नहीं चलेगा आलोक जी। और दूसरी, मैं टाइम गिना सकता हूं, अगर आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करें तो मैं टाइम गिना सकता हूं। एक मिनट सुनिए ना गौरव जी, एक बात ये बताइए जरा, अभी आपने भी पूरी तरह से बीजेपी का पक्ष रखा कि ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, संसद में भी भाग गए। आलोक भाई, मेरे ऊपर आरोप लगाकर आपका राजनीतिक भविष्य नहीं चमक सकता ना, तो आप फैक्ट पे बात। गौरव जी मैं फिर कहूंगा कि संसद से क्यों छोड़कर चला गया विपक्ष, ये पूरे देश ने देखा। क्यों चला गया बताइए? प्रधानमंत्री जो लगभग 90 दिन तक मणिपुर, हाँ बता रहा हूँ ना, पूछ आपसे, सुनिए ना आप जरा, लगभग 90 दिन तक मणिपुर पर उनका मन मां नहीं बोल पाए। आज भी देश को ये नहीं पता चला कि मुख्यमंत्री क्यों आज भी वहां बैठा हुआ है, लेकिन देश के मीडिया को शायद इस बात की चिंता नहीं है। भारत माता की हत्या अगर मणिपुर में हो रही है तो मीडिया को उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि मणिपुर शायद भारत माता का हिस्सा नहीं है बीजेपी के। आप सुनते हैं लगातार आप आरोप लगा रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं? डेढ़ पौने दो घंटे तक आरोप मेरे बिल्कुल आधार के साथ हैं, बिना आधार के नहीं है मेरे आरोप। सीनियर प्रवक्ता, देश के मीडिया ने क्या दिखाया है पिछले 9 वर्षों तक? मोदी नामा पढ़ाया। मैं और आगे बढ़ूंगा, आप ज्यादा क्या दिखाया उसका? दोस्तों, अगर आप ऐसे ही गोदी मीडिया की धुलाई के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल द नेशन लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।